नमस्कार, आज का नोएडा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गायत्री। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण पर दिए गए बयान के खिलाफ यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने दिल्ली यूपी बॉर्डर पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल और गांधी परिवार को आरक्षण विरोधी बताकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान यूपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और यूपी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में हजारों की संख्या में पिछड़ा वर्ग के लोग गाजीपुर पहुंचे और प्रदर्शन में शामिल हुए। आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में घुसने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें बैरियर से आगे नहीं बढ़ने दिया। साथ ही कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने हाल ही में अपने अमेरिका दौरे पर कहा था कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर आरक्षण खत्म किया जा सकता है, अगर हालात सामान्य हो जाए तो। उनके इसी बयान पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। पूरा मामला जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। वर्तमान में जो कुछ अधिकार ओबीसी समाज को मिल रहे हैं आरक्षण के नाम पर, उसको खत्म करने की घोषणा करना, ये कांग्रेस पार्टी की कल्चर, ये कांग्रेस पार्टी की नीति बन गई है। इस नीति का अब ओबीसी समाज के लोग सड़कों पर विरोध करेंगे और पिछड़े समाज के लोग अपने अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होगी। हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में कल हम हरियाणा के दौरे पे जा रहे हैं, वहां भी हम लोगों से बात करेंगे। लोगों में आक्रोश है, हरियाणा में आक्रोश है, जम्मू कश्मीर में आक्रोश है। लोग कह रहे हैं खुद आखिर राहुल को हो क्या गया, ये पिछड़ों के पीछे क्यों पड़े, ये सरदारों के पीछे क्यों पड़े। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर में भी राहुल गांधी को ओबीसी आरक्षण समाप्त करने का बयान पर अब जवाब देना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारा जो आंदोलन है ओबीसी का, ये राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर हमारे ओबीसी आरक्षण को समाप्त करने की बात कही है, तो इसलिए राहुल गांधी को घर घेरेंगे जाके, और घर न मिलेगा घेर में घेरेंगे, इसका घर का घेर करेंगे। आज कहीं तो मिलेगा ही, ऐसा कैसे बोल दे हमारे समाज की निया धरती पर हमारा मन क्या है, हम अपनी सजा से गिरफ्तारी दे रहे, नहीं दे रहे, हमें पुलिस ध्यान नहीं दे रही। वहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे, वहाँ से निकल के जाएंगे। हम राहुल गांधी का घेराव करेंगे, राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे। जब तक राहुल गांधी आंदोलन जारी रहेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, अगर हम माफी नहीं मांगेंगे, हम उनकी ईंट से ईंट मिला देंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। नोएडा और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।